टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। टाका में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा सपा और प्रसपा मिलकर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा सरकार में किसानों को बिजली चोरी के झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आदित्य यादव ने कहा भाजपा सरकार में किसानों के दोगुने दामों पर मिल रही है खाद। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ध्रुव यादव ने कहा अभी टाका में 51 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है। सरकार बनने पर टाका में 500 नए कार्यों को कराने का लक्ष्य होगा। रैली में उमड़ी भारी भीड़ देख गदगद हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, ये हमने स्वीकार कर लिया है। चुनाव आते ही समाजवादी लोगों पर छापा मारा जा रहा है। कानपुर में अपने ही लोगों पर भाजपा ने छापा मार दिया। जिन पर काला धन है उन पर नहीं पड़ रहे हैं छापे। उत्तर प्रदेश की जनता की मांग पर सपा और प्रसपा एक हो गई है। केंद्र और प्रदेश की सरकार की नीतियों ने भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर कर दी है। भाजपा नारों और विज्ञापनों में तरक्की कर रही है जबकि देश पर कर्जा बढ़ गया है। उसरा हार से एक संवाददाता गौरव शाके की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।